नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा प्रभु। कैसा रहा कल सुबह का लेक्चर भागवतम में? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ना, बहुत अच्छा। कुछ ना, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने प्रभुपाद के शिष्य से सुना तो इसके आपने महाभागवत से सुना तो उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसे तरह से सुनना हमेशा अच्छा रहता है। सातवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं।
तत्नः परम पुण्यम समृतार्थम तत्नः परम पुण्य असमृतार्थम आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम आख्या हि अनंत चरितोपपन्नम परीक्षितम भागवत अभिरामम तन्नः परम या तन्नः भी पढ़ सकते हैं तन्नः परम पुण्य तन्नः परम पुण्यम असंप्रतार्थम आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम आख्या हि अनंत चरितोपपन्नम आचरितोपपन्नम आख्या हि अनंत आचरितोपपन्नम परीक्षितम भागवत अभिरामम मेरे साथ पढ़िए तन्नः परम पुण्यम असंप्रतार्थम आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम आख्या हि अनंत आचरितोपपन्नम परीक्षितम भागवत अभिरामम शब्दार्थ है तत् अतएव नः हमें परम परम पुण्यम पवित्र करने वाला असंवृत अर्थम यथारूप आख्यानम वार्ता अति अत्यंत अद्भुत आश्चर्यजनक योग निष्ठम भक्ति योग में दृढ़ आख्या ही कहिए अनंत अनंत आचरित कार्यकलाप उपपन्नम पूर्ण परीक्षितम महाराज परीक्षित से कहे गए भागवत शुद्ध भक्तों के अभिरामम विशेषतया अत्यंत प्रिय अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं कौन परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं तो मेरे साथ पढ़िए अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं हमें अनंत की कथाएं सुनाएं क्योंकि वे पवित्र करने वाली क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं हरे कृष्ण प्रभु जी शील प्रभुपाद की जय शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवत है श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है अतएव यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वपरि है क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमय सेवा में विषय रूप से समृद्ध है हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ जो परीक्षित महाराज को सुनाया गया था वो श्रीमद् भागवत है तो श्रीमद् भागवत को कोई भी भक्त सुनना चाहता है क्यों क्योंकि ये भगवान की कथाएं हैं एक सबसे बड़ी बात भगवान को महिमा मंडित किया गया है वेद अभ्यास द्वारा और
सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि ये सारे जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, क्या हैं? चार वेद हैं, 108 मुख्य उपनिषद हैं और काफी सारे उप उपनिषद भी हैं, 18 पुराण हैं, वेदांत सूत्र है और महाभारत है। और महाभारत का जो अर्क है, जो उसका रस है, वो भगवत गीता है। ये सब वेदव्यास ने इतने ग्रंथ लिखे और इनमें से भागवत ग्रंथ सबसे आखिरी में लिखा गया, इसलिए इसको एक्चुअली वेदों को पांच कहा जाता है। चार तो वेद हैं, पांचवां वेद ये पुराण और इतिहास, इतिहास का मतलब महाभारत। महाभारत को क्यों कहा जाता है वेदों में? क्योंकि उसमें गीता है, भगवान की अमृत वाणी है गीता। वो पॉलिटिक्स नहीं, महाभारत में पॉलिटिक्स भी है, राजनीति भी है, कूटनीति भी है, कूटनीति भी है, क्योंकि वहाँ युद्ध होता है। वो उसको जीतने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, वह नहीं। महाभारत क्यों महान माना जाता है? क्योंकि उसमें भगवान की अमृत वाणी है, भगवान के वो उपदेश जो अभी तक भी सार्थक हैं। भगवद गीता इसीलिए महान ग्रंथ कहा जाता है। तो एक तो चार वेद हुए, पांचवा वेद इन्हें कहा जाता है। और इनमें से भी ये वेदों का जो पका हुआ फल है वो भागवतम है। आपको कहा गया ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत के लिए। तो भागवत अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको वेदों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वेदों का सार है। दूसरा, जो वेदव्यास ने एक महान ग्रंथ लिखा वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं वेदांत सूत्र, जिसको निर्विशेषवादी पढ़ते हैं और अर्थ अलग लगाते हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। किसको समझाया? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके बहुत बड़े अनुयायी बने बाद में चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु जब अपने अपने अनुयायियों के साथ चल रहे थे, आ रहे थे किसी जगह से उनके साथ ये सभी लोग थे, उनके जो अनुयायी हैं, उनके डिसाइपल, और जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर तरफ, तो महाप्रभु उनसे थोड़ा तेज आगे हो गए, तेज चलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे पहले जगन्नाथ के दर्शन, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, वो फेंट हो गए, बेहोश हो गए। तो वहां सार्वभौम भट्टाचार्य थे और उनको लगा कि ये कोई नव युवक सन्यासी है, क्योंकि वो सन्यास के वेश में थे। और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य निर्विशेष पाद के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड, और बहुत वहां पर पूरी में बहुत पूजनीय थे, सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये बेहोश हो गया है, इस सन्यासी को मेरे घर ले चलो। अपने घर ले गए और उनको लिटा दिया, और थोड़ी देर में जगन्नाथपुरी में उनके शिष्य जो थे वो पहुंच गए। तो उनको पता लगा कि प्रभु जो है, उनको भक्तों को पता था वो भगवान है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं पता, कैसे पता लगेगा वो सन्यासी के वेश में। तो जब उनको पता लगा कि वहां गए, वो सबके सब वहां पहुंचे, देखा चैतन्य महाप्रभु बेहोश हैं, तो उन्होंने हरि नाम कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से जपना किया, वो होश में आ गए। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा, उसको कहा कि तुम अभी नए नए सन्यासी हो, ये तुम कौन से सन्यासी हो? क्योंकि वो जो
निर्विशेषवादी है, वो अपने को ही बड़ा समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको वेदांत सूत्र सुनाता हूँ और तुम ये जो सन्यासी है निर्विशेषवाद सन्यासी बन जाओ। ऐसा करके सुनाया, वेदांत सूत्र सुनाया, मेरे ख्याल से 3 दिन सुबह से शाम तक उनके घर में थे वो। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। फिर जब पूरा सुना दिया तो तब सार्वम भट्टाचार्य ने कहा कि तुमको शायद समझ नहीं आ पाया या तुम कुछ बोले नहीं बीच में, तो तुम्हें कुछ कहना है, इसमें कुछ समझ आया। चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से लेकर के कहा, इस लाइन में आपने श्लोक नंबर इसमें ये व्याख्या मुझे सही नहीं लगी, इसके नीचे इसकी व्याख्या ऐसे है, इसके फिर बताया श्लोक नंबर इतने में आपने ये कहा इसकी मतलब ऐसा नहीं ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा नहीं ऐसा है। पूरा जितने में जहां जहां निर्विशेषवादी गलत ढंग से व्याख्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु ने बताया, यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो नोट भी नहीं कर रहा है पूरा वेदांत सूत्र सुना और एक एक जगह पर जो निर्विशेषवादियों की व्याख्या थी उसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं हालांकि बहुत मूर्ख हूँ, मुझे ज्यादा नहीं समझ आता है, बट मैं समझता हूँ ये ऐसा होना चाहिए। सार्वम भट्टाचार्य हक्का बक्का रह गए कि ये युवक इसको इतना कैसे पता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ और बोले उसके बारे में, तो सार्वम भट्टाचार्य उनके चरणों पर गिर गए, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको एक नव युवक सन्यासी समझा कि आपको वेदांत सूत्र के बारे में बताने की कोशिश की और आपने मेरे जो इंटरप्रिटेशन है, मेरी जो टीका है उसी पर आपने करेक्शन कर दिए, सुधार कर दिए, आप महान हैं, आप हैं कौन आप हैं कौन। रोने लग गए सार्वम भट्टाचार्य, बड़े थे उम्र में, बहुत बहुत प्रकांड विद्वान थे वैदिक साहित्य में, लेकिन निर्विशेषवादी थे। गलती यहां थी जो चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से यह हुआ। तो जब वो बहुत ज्यादा रोने लगे कि मेरे से महान गलती हो गई, आप तो कुछ कुछ और ही हैं, तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण का रूप उसको दिखाया, सार्वम भट्टाचार्य को। गदगद हो गए, वही तो, ये तो भगवान है। तो उनको दिखाया था, गले लगाया उसको, गले लगाने का मतलब सार्वम भट्टाचार्य का तो कल्याण हो गया, वो तो गोलोक वृंदावन के निवासी बन गए। तो उनको गले लगाया चैतन्य महाप्रभु ने और दर्शन दिए पहली बार। तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी भगवान के रूप में अपने को नहीं दिखाते थे, वो अपने को भक्त के रूप में दिखाते थे। तो ये ऐसा ग्रंथ है भागवतम, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो भागवतम पढ़ लेता है, और इसकी व्याख्या निर्विशेष बात की तरह से नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो वेदांत सूत्र वेद अभ्यास ने लिखा उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने निर्विशेष बात ने अपने ढंग से लिखा, तो वेद अभ्यास ने जो वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो भागवतम में है। तो भागवतम इसलिए कहा जाता है, ये वेद भी है, ये वेदांत सूत्र भी है। तो आपने देखा है कहीं कहीं पर भी कोई चीज इसमें गड़बड़ नहीं है, कहीं पर भी आप पढ़ते हैं आपको अच्छा लगता है, आप आगे बढ़ते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, तो
नित्यम भागवत सेवया, रोज आप इसको सुनते हैं। सूता उवाच अहो वयम् जन्म वृतो अद्यहास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौस्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानां आदि अभिधान योगः। सूता उवाच अहो वयम्, क्योंकि सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि मुनि कहा कि आप वो सुनाए जो परीक्षित महाराज ने सुना, क्योंकि वो हमको अति प्रिय है। सूता उवाच, सूत गोस्वामी कह रहे हैं अहो वयम् जन्म वृतो अद्यहास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौस्कुल्यमाधिम दौस्कुल्यम आदिम विदुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगः। मेरे साथ पढ़िए, सूता उवाच अहो वयम् जन्म वृतो अद्यहास्मा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौस्कुल्यम आदिम विदुनोति शीघ्रम महत्तनामाम् अभिधान योगः शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा अहो कैसे ही वयम् हम जन्म वृत्तः जन्म को प्राप्त अद्यः आज हा स्पष्टतया आस्म हो चुके हैं वृद्ध अनुवृत्त्या ज्ञान में बड़े चढ़े मनुष्यों की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जाता मिश्र जाति में जन्मे दौस्कुल्यम जन्मजात अयोग्यता आदिम कष्ट विदुनोति शुद्ध करती है शीघ्रम तुरंत महत तमानाम महानों का अभिधान वार्ता योगः संबंध। श्री सूत गोस्वामी ने कहा हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र शंकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। अगर कोई निम्न कुल में जन्म भी हुआ है, अगर वो महापुरुषों की बातों को सुनता है, उनको आत्मसात करता है, तो उसके पूरे सारे चीजें धुल जाती हैं, तो वो तुरंत ही निर्मल हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, श्री सूत गोस्वामी ने कहा हे ईश्वर यद्यपि हम मिश्र शंकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से
तुरंत ही निर्मल हो जाता है। हाँ, ये सूत गोस्वामी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, सूत गोस्वामी के पिता क्षत्रिय थे, माँ शायद ब्राह्मण थी। ये गलत माना जाता है कि वेदों के शास्त्रों के हिसाब से ब्राह्मण अगर क्षत्रिय लड़के से शादी करता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण लड़की क्षत्रिय पुरुष से शादी करती है, वो गलत गलत माना जाता है। तो इनका कुछ ऐसा था, मैं एग्जैक्टली आपको चाहिएगा तो मैं बताऊंगा। तो सूत गोस्वामी के साथ ऐसा था, इनके पिता शायद इनके पिता के पिता शायद ऐसे थे, तो इस वजह से उनको सूत पुत्र या कुछ ऐसा कहा जाता था, क्योंकि पिता ब्राह्मण नहीं थे, पिता क्षत्रिय थे, माँ ब्राह्मण थी। तो महान महान प्रकांड विद्वान थे वो, इनके पिता, और इनकी बात नहीं, इनके पिता की बात है। तो इस वजह से सूत गोस्वामी का, हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, शील सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा शील सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शील सूत गोस्वामी ने शील सुखदेव तथा शील व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से श्री कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवतम के रूप में श्री कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या श्री कृष्ण का विज्ञान ज्ञानियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार शील सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों का तथा मानसिक क्लेशों से भी पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि शील सुखदेव गोस्वामी ने न तो शील सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने के कारण अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से मना किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से मना किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, भगवान चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचारी अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि शील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, श्री भगवान की शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रतीत होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है।
किंतु जहाँ तक श्री भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम मनुष्यों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतएव यह उपयुक्त समय है कि संसार भर में श्रीमद् भागवतम के प्रचार का कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। महत्मानम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा श्री भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा तात्पर्य है प्रभुपाद द्वारा कि ये सूत गोस्वामी कोई ये चैतन्य महाप्रभु ये बात तो पहले की है, बहुत पहले की। आप जानते हैं ये तो भागवतम लिखा गया 5000 साल पहले, जब कलयुग शुरू हुआ था वेदव्यास ने लिखा, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को सुनाया ये भागवत। उसके बाद वेदव्यास ने लिखी है भागवतम, इसलिए सूता उवाच बोलते हैं। ये अपने आप नहीं आया, क्योंकि वेदव्यास ने लिखा है बाद में कि वहां जब सुनाया गया वह भागवतम बिल्कुल वैसे की वैसे सुनाई गई, तो इसलिए ये वेदव्यास का लिखा हुआ है। तो ये तो बात हुई पहले की, ये तो बहुत पहले की बात हुई। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, 500 से थोड़ा 16-17 साल ज्यादा लगा लो। उन्होंने इसी चीज को अपनाया कि कोई अगर ब्राह्मण का पुत्र है योग्य नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, और अगर कोई शूद्र का पुत्र है ब्राह्मण के उसमें भगवान कृष्ण का विज्ञान पूरा पता है उसको तो वो आचार्य है, वो ब्राह्मण है। उन्होंने इस तरह से लिया। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार के थे और वो ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। उनको भगवान कृष्ण से अतिशय प्रेम हो गया, वही जपते थे। बहुत मार खाए उन्होंने, बहुत पीटा गया उनको मुसलमानों के द्वारा कि ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे आपको जैसे अल्लाह से प्रेम है वैसे मुझे कृष्ण से प्रेम है, हैं तो दोनों एक ही, वो भी भगवान है ये भी भगवान है, ऐसे करके तो नहीं सुनते थे ये। बाद में हरदास ठाकुर अपना ये अपनी पोजीशन भी समझते थे, इतने इतने सहिष्णु थे। वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं गए, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में खाली हिंदुओं को शायद अलाव है, जो भी था वो कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। हरिदास ठाकुर इतने विनीत थे, कोई उनमें अपना उदंडपन नहीं था कि मैं भगवान का भक्त हूँ। वो जा सकते थे क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान का भक्त भगवान के दर्शन नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और वो भी भगवान के महान भक्त थे। तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर जो पताका है जो घूमता है वो उसके दर्शन करते थे दूर से, मंदिर में वो कभी नहीं गए। उनको कहा भी गया तब भी नहीं गए। तो खुद भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देने आते थे, कैसे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वहां जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाते थे, वो खुद ही जगन्नाथ थे। वो आते थे सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर को
आप क्या समझते हैं भगवान जगन्नाथ को दर्शन दे रहे हैं? हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ उनके पास आते थे दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। तो ये उनका रूटीन था चैतन्य महाप्रभु का, जगन्नाथपुरी मंदिर में आग के बाद वो पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, तो दर्शन दिया दिया, उसके बाद उनके लिए प्रसाद लाके प्रसाद भी देते थे। तो भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं। कितने महान थे हरिदास ठाकुर, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्थान दिया, नामाचार्य का टाइटल दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा जाता है। और हम जब कीर्तन करने के बाद, जब इस्कॉन मंदिर में आपने सुना होगा अगर गए होंगे तो जब हम सबको नमस्कार करते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं, इसकी जय उसकी जय उसकी जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय करके माथा टेक के बोलते हैं उनको। इतने महान भक्त थे वो भगवान के। तो इसमें ये गुण, भगवान का अगर कोई भक्त बन गया उसको आप ये नहीं कह सकते ये निम्न जाति का है, ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, वो भगवान का भक्त है। उसकी जाति तो ब्राह्मण है, क्या कहते हैं वैष्णव है, भगवान का भक्त है, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण है वो, ऐसा समझा जाता है। ऐसे ऐसे इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि भगवान भक्तों का संबंध तो भगवान से होता है। और वही चीज शुद्ध गोस्वामी के साथ हुआ। शुद्ध गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य ने अपना शिष्य बनाया, और नैमिषारण्य के महान ऋषि मुनि, महान थे वो, सौनका ऋषि उनके लीडर थे, उन्होंने शुद्ध गोस्वामी को स्वीकार किया जो भगवान का उपदेश दे सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में प्रभुपाद ने समझाया है हमको। 19वां श्लोक है, कुतः कुतः पुन कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद् यम अनंतमाहु। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद् यम अनंतमाहु। मेरे साथ, कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, महत्तम एकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो महत् गुणत्वात् यम अनंत माहु। शब्दार्थ कुतः क्या कहें, पुनः फिर गृणतः कीर्तन करने वाला नाम, पवित्र नाम तस्य उनका, महत्तम भगवान भक्त एकांत एकमात्र परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए, यह वह जो अनंत अनंत है, शक्ति ही शक्ति, भगवान भगवान, अनंत असंख्य, महत महान, गुणत्वात् ऐसे गुणों के कारण यम जिनको अनंतम अनंत नाम से आहु पुकारा जाता है। भावार्थ है, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो भगवान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अनंत के मतलब भगवान के, जिनकी असीम शक्ति है, भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। मेरे साथ पढ़िए, और उनके विषय में क्या कहा जाए
और उनके विषय में क्या कहा जाए। जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, भगवान जो शक्ति में असीम असीम मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं है, तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी द्वारा बात कर शील प्रभुपाद जी की जय। बंधु या अल्पा के साथियों में उत्पन्न संस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निप जान के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इसी कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वो तुरंत ही निम्न जात में जन्म देने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में दस ऊपर कीजिए तो ऊपर कीजिए दस अपराध दस प्रकार के किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जब अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जब दिव्य होता है, अतएव ऐसा जब उन जन के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जब ये संकेत देता है कि मनुष्य पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ऊपर ऊपर करिए प्रभु जी ऊपर कीजिए प्रभु ऊपर ही है प्रभु देखेगा दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है। नहीं दिख रहा आपको? अब आया अब आ गया। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और है माता जी और प्रभु और प्रभु जी और है नीचे है तो मुझे दिखाई नहीं रहा ना आगे। अतएव निम्न जन्म देने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि वे तथा उनके नाम एक प्रभु जी किसी और को भगवान का पवित्र नाम भक्तों के सुनिए मैं बोल रहा हूँ। अतएव भक्तों का भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निःसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। ये प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का निर्देश था ऐसा कि आप भगवान के भक्त बन जाओ तो आपके जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं है। आप उन्होंने जहां जहां भी गए सबको वैष्णव बनाया। वैष्णव क्या है? ब्राह्मण से भी ऊपर। देखिए चार वर्ण है ना हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है, ब्राह्मण से भी ऊपर है वैष्णव। अगर आप भगवान के भक्त बन जाते हैं प्रकृति के तीन गुणों को लात मार के आप ऊपर आ गए वैष्णव बन गए तो आप तो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं। ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन होता है? वैष्णव। वैष्णव भगवान का शुद्ध भक्त होता है क्योंकि उसमें अशुद्धियां खत्म हो जाती है। अशुद्धियां आती कहां से है?
प्रकृति के गुणों से, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इनसे हमें कलमस आता है, भौतिक कलमस, माया से बधे रहते हैं। अगर तीन गुणों से त्याग के हम ऊपर आ गए तो इसका मतलब हमको किसी चीज से असर नहीं होता, फिर तो हम वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव भगवान का परम भक्त होता है और वो उसके जो गुण आपके सतोगुण में है, जो ब्राह्मण सतोगुण, ब्राह्मण को सतोगुणी कहा जाता है। अगर किसी में सतोगुण है तो ही वो ब्राह्मण है, नहीं तो उसको ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का बेटा अगर रजोगुण तमोगुण में है वो थोड़ी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का बेटा अगर सतोगुणी है तो वो ब्राह्मण है, और अगर किसी शूद्र का बेटा सतोगुणी है वो ब्राह्मण है। ये ऐसा समझिए, जन्म से सब शूद्र हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, जन्म से सब शूद्र होते हैं। उनको फिर अनुशीलन, ये ज्ञान का अनुशीलन धीरे धीरे करके अब उनको बनाते हैं माँ बाप। उनको माँ बाप ब्राह्मण भी बना सकते हैं, वैश्य भी बना सकते हैं, क्षत्रिय बना सकते हैं, शूद्र बना सकते हैं। ये माँ बाप को, अगर वो ब्राह्मण हैं, माँ बाप कि का मतलब अगर वो सतोगुणी हैं तो बच्चा सतोगुणी हो सकता है, चांस उसके ज्यादा है। ब्राह्मण का बेटा को ब्राह्मण बनने में तकलीफ कम है क्योंकि वो बचपन से ही ये चीजें सीखता है। अगर माँ बाप अच्छी तरह नहीं सिखा पाए या कुछ अपने कर्मों के कारण वो नहीं सीख पाया, उसको द्विजबंध कहा जाता है, क्योंकि उसको दोबारा दीक्षा होनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है, ये कहा जाता है। तो ये प्रभुपाद समझाए हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर आपका किस कुल से आप जन्म लेते हैं कभी मत सोचिए। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का विज्ञान आपके समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया भगवद गीता अच्छी तरह से, भागवतम आपको अच्छा लगने लगा, आप ब्राह्मण कुल में हो गए या हो सकता है आप वैष्णव भी बन गए हों। 20वां श्लोक है, एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर गुणैर साम्या गुणैर असाम्या अनि अनत गुणैर साम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्य अंग्रिरेणु यस्य अंग्रिरेणु जुषते एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर साम्या अनि गुणैर साम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्य अंग्रिरेणुं जुषते अनभीप्सो। मेरे साथ पढ़िए, एतावतालं ननुसूचितेन गुणैर असाम्य अनतिशायनस्य गुणैर असाम्य अनतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्य अंग्रिरेणुं जुषते अनभीप्सो। शब्दार्थ, एतावता इतनी दूर तक, अलम अनावश्यक, ननु यदि तनिक भी हो तो, सूचितेना वर्णन से, गुणे गुणों से, असाम्य असाम्य अनतिशायनस्य जिसकी बराबरी न हो सके उसका, हित्वा छोड़कर इतरान अन्य प्रार्थयतः याचना करने वालों का, विभूति ही लक्ष्मी की कृपा, यस्य जिसके अंग्री पैर रेणुम धूल जुषते सेवा करता है, अनभीप्सो
अनिश्चित का। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है, फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। अनुवाद मेरे साथ पढ़िए। अब यह निश्चित हो गया है कि वे यानी भगवान अनंत हैं, अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है, और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता, बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं। भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा करें अनिच्छुक रहते हैं। पहले तो ये बताया गया कि भगवान को कोई पर्याप्त रूप से भगवान के बारे में नहीं जानता है। कौन जानता है? और भगवान को बहुत हद तक जानता है और चाहता है। भगवान बहुत ही भगवान है, असीमित है, उनमें गुण जो है भगवान के, इसलिए उनको जान पाना बहुत कठिन होता है। आपने देखा भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान को कहते हैं, भगवान आपको तो कोई नहीं जान सकता, आप शायद अपने को जानने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति का इस्तेमाल करते होंगे, ये आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जान सकते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान को समझना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए ये कहा जाता है जो भगवान का भक्त है वो भगवान को जानने लगता है, उसको स्वाद आने लगता है और भक्ति करता है और भक्ति करता है, भगवान का सांसद बन जाता है, फिर समझ जाता है। और ये लक्ष्मी जिसकी देवता लोग पूजा करते रहते हैं स्तुतियों पढ़ करके लक्ष्मी की, क्योंकि लक्ष्मी की सेवा से धन धान्य बनता है, तो देवता लोग तो ऐश्वर्य है उनके पास, अपना ऐश्वर्य बनाए रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन वही लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है, हालांकि भगवान इस सेवा के इतने इच्छुक नहीं हैं, तो भी लक्ष्मी हमेशा भगवान के ये सीने में रहती हैं, वास करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। आपने देखा होगा भगवान जब विष्णु रूप में होते हैं माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती है, ये जो आपने देखा ना पाद सेवनम, जो नवदा भक्ति है पाद सेवनम में लक्ष्मी का हम उदाहरण देते हैं कि भगवान के पैरों की सेवा करने में तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा, अत्रि मोदक माता जी हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा श्रुतियों के अनुसार श्री भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना है होता, उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई उनसे बढ़कर है, उनकी अनंत शक्तियां है और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की दृष्टि
कृपा दृष्टि के लिए ललायित रहते हैं और उनके प्रार्थना के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता, परमेश्वर अपने गर्भोदकशायी विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं। जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण है। उन्हें कुछ करना नहीं होना होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वे निराकार है। वे दिव्य रूप से अचिंत शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान अनंत हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती ये। लेकिन भगवान जब इस धरातल पर अवतरित होते हैं तो करते हैं काम ताकि लोग उनका अनुसरण करें। अगर भगवान कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कुछ नहीं करने से भी अच्छा है, भगवान कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, जो जो बड़े बड़े आदर्श पुरुष जैसा कार्य करते हैं जनता उनका अनुकरण करती है। तो इसलिए भगवान, आपने देखा होगा भगवान को गुरुकुल जाने की क्या जरूरत है, भगवान को कौन शिक्षा दे सकता है, शिक्षा ज्ञान भगवान से ही आता है। फिर भी ताकि आप कहें नहीं भगवान गुरुकुल गए थे, भगवान राम गए थे, भगवान कृष्ण गए थे। आप देखते हैं ये भगवान उदाहरण ऐसा रखते हैं कि आप कोई ये ना कहे कि भगवान ने ऐसा नहीं किया। सब शिष्टाचार सब कुछ मानते हैं। भगवान माँ यशोदा के पुत्र के रूप में उनको खुश करने के लिए, क्योंकि माँ यशोदा भगवान की माँ नहीं भगवान की भक्त हैं, भगवान ने उनको माँ का दर्जा दिया क्योंकि वो चाहती थी ऐसा। अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखना चाहती थी, बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने कहा तथास्तु, आए आए दोनों को, देवकी को भी यशोदा को भी खुश करके गए। देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और यशोदा माँ के यहाँ बचपन गुजारा। तो इतनी खुशी दी उनको भगवान ने। आपने उनकी बाल लीला सुनी है भगवान कृष्ण की, यशोदा माँ ने को क्या क्या नहीं उन्होंने दिखाया। और कभी ये उनको महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान हैं, क्योंकि माँ अगर बच्चे को भगवान के रूप में मानेगी तो माँ बच्चे से बच्चे का प्यार नहीं प्राप्त कर सकती, नहीं उसको बच्चे का प्यार दे सकती है। तो एकाध अवसर ऐसे आए जहाँ पर भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति दिखाई तो भी विस्मृति दिला दी माँ को, विस्मृति दिला दी नंद महाराज को, ताकि वो उनको भगवान समझे ही नहीं। आप क्या सोचते हैं कि नंद महाराज इतने बेवकूफ होते होंगे कि एक बच्चा 7 साल का बच्चा पूरा गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, ये 7 साल का बच्चा कर सकता है? नहीं। तो क्या सोचते थे, हाँ हमारा बेचा बेटा जो है ये बड़ी चीजें कर देता है, बड़े अजीब अजीब चीजें कर देता है, एक छोटा बच्चा बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है, उनके समझ में नहीं आता है, आता है। लेकिन भगवान विस्मृति दे देते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबके हृदय में हूं, मैं ही उनको स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं और विस्मृति भी देता हूं। अपोहनम को कहते हैं विस्मृति भगवान। तो जैसे सोचेगा आदमी विस्मृति कर देंगे, वो सोचेगा ही नहीं, वैसा सोच ही नहीं सकता। अगर वो सोचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान इतने महान है, इतने महान है भगवान। तो
इसी चीज का वर्णन इसमें कहा गया है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाजदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।